नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। आज हम जहाँ पे मौजूद हैं वो जगह है जदयू कार्यालय के पास। एक्चुअली आज शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए कुछ शिक्षा सेवी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे, और जो प्रखंड लेवल के जो शिक्षा सेवी होते हैं या वे शिक्षा केआरपी होते हैं, जो हम बातचीत करेंगे तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाहता था कि जिस कारण से ये लोग मिलना चाहते थे वो कारण क्या था और क्या कुछ समस्या है, हम इस बारे में इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप लोग यहाँ पे आए, क्या समस्या क्या थी और क्या बात था? अभी हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार यहाँ आए थे कि जदयू कार्यालय में सुनवाई जन सुनवाई का कार्य होता है, इसमें विभागीय और आम जनता के कार्रवाई जो समस्याएं होती है उसकी सुनवाई के लिए होता है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हम सभी प्रखंड के आरपी बिहार के सभी प्रखंडों से आए थे, 6 प्रखंडों से, जो अपनी समस्याओं को लेकर के आए थे। अभी तक हम लोग विभाग में शिक्षा विभाग के द्वारा शोषण हो रहा है। 2009 से हम सभी केआरपी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना, इसमें हम सभी केआरपी प्रखंड स्तर पर कार्य करते हैं। हम सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की को अनुसरण करते हैं, अनुसमर्थन करते हैं, महादलित के बच्चों का नामांकन करते हैं और विशेष शिक्षण का कार्य भी हम लोग देखते हैं और अनुसरण करके अभी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी के द्वारा जो हम सबों को कार्य दिया गया था, विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य भी हम लोग 1 जुलाई से कर रहे हैं। लेकिन इतने करने के बावजूद भी सरकार हम लोगों को अभी तक मानदेय नहीं दी, न हम सबों की यात्रा भत्ता में कोई बढ़ोतरी किया गया। इस समस्या को लेकर के हम लोग कई बार शिक्षा मंत्री जी से, अपर मुख्य सचिव महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से मिले, लेकिन अभी हम लोगों की मांगों पर कोई अभी तक विचार नहीं कर रही है सरकार। अगर सरकार नवंबर तक हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम सभी बिहार के आरपी धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे और काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। काम रोको प्रस्ताव मतलब काम को बाधित किया जाएगा, काम हम लोग बाधित आप लोग करेंगे। लेंगे, आप लोग हाँ, लेंगे। काम रोको प्रस्ताव। हालांकि ये महत्वाकांक्षी योजना है और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस पे काम करने के लिए बहुत सारे लोग एक्टिव भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जितनी योजना है वो हम लोग काफ़ी भी निभाते हैं और बिना यात्रा भत्ता इतनी कम मिलती है, 500 रुपया में हम लोग काम कर रहे हैं, 3800 जिला के क्या हम लोग बूथ के कारगार तक पहुँचे हैं और सरकार जितना काम देती है, चाहे वो आपकी मैट्रिक का परीक्षा हो, जनगणना हो, सरकार की हमें जितनी और जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, हालांकि नीतीश कुमार की, फिर भी उस महत्वाकांक्षी योजना पे अगर जिस तरीके से सरकार की नज़र रहनी चाहिए या जो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए उस तरीके से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो केआरपी लोग हैं वो लोग संतुष्ट नहीं है, नहीं है और दुर्घटना बीमा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग से जो है बिल्कुल अंधकार में है, निर्णय लेना होगा। बिहार सरकार की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना अक्षरांचल योजना, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महादलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना, वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा सेवक की सेवा पर विभाग की सक्रियता लाभप्रद रही है, परंतु इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर सेवा दे रही शिक्षा अधिकारी केआरपी का पद भी स्वीकृत है, जो विभाग द्वारा उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपनी मांग पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री के पास बिहार में कार्यरत शिक्षा अधिकारी केआरपी सृष्टि श्रीवास्तव, आया कुमारी, दिनेश कुमार तिवारी, रमेश कुमार सिंह, नवीन कुमार, सुमन कुमार दास, मंजू कुमारी, संजू श्रीवास्तव, सुनीता कुमारी और संतोष कुमार ने पहुंचकर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।
नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।